हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर तालाब पर, जो एक धार्मिक प्रसिद्ध स्थल है। वैसे भी कुरुक्षेत्र को एक धार्मिक स्थल के रूप में ही जाना जाता है। यहाँ कौरवों और पांडवों के युद्ध के बाद, जब पांडवों की जीत हुई थी, उस समय उन्होंने इस तालाब में आकर पांडवों ने स्नान किया था। और इसी ब्रह्म सरोवर पर उन्होंने अपने जीत के लिए युधिष्ठिर के द्वारा एक टावर बनाया गया था। और यह वही धार्मिक स्थल है जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आप भी अगर आपके भी समय लगे तो अवश्य आइएगा। इस तालाब का पानी बहुत पवित्र है, इसमें बहुत ज़्यादा सफाई है। और तालाब के बीच में ही मंदिर बने हुए हैं, जहाँ बैठ करके यात्री आराम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और ये तालाब बहुत बड़ा है, इसे लघु सागर के रूप में भी जाना जाता है। लोगों का मानना है कि पांडवों की जीत के बाद उन्होंने यहाँ स्नान किया था और द्रौपदी ने अपने यहीं पर अपने केस धोए थे। इसी सरोवर पर विदेशी लोग भी घूमने के लिए आते हैं और इस दृश्य का लुत्फ़ उठाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं, हर कोई व्यक्ति अपनी सेल्फी लेने में ही खोया हुआ है। यह ब्रह्म सरोवर बताया जाता है कि ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। कौरवों और पांडवों के पूर्वजों राजा कुरु ने इसकी खुदाई करवाई थी। यह एक धार्मिक स्थल है, इतना बड़ा ब्रह्म सरोवर है कि यहाँ पैदल चलकर इसके चारों ओर चक्कर नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको इसके ब्रह्म सरोवर का पूरा चक्कर लगाना है तो यहाँ पर छोटी छोटी गाड़ियाँ मिलती हैं, वो आपको लेनी होती है, वरना इस सरोवर का चक्कर लगाना असंभव है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़ा तालाब है। ये यहाँ पर श्याम जी का मंदिर है और इसी मंदिर के अंदर एक कुप बना हुआ है। कहते हैं कि द्रौपदी ने वहाँ पर अपने जीत के बाद बाल धोए थे। नवंबर और दिसंबर में ब्रह्म सरोवर के तट पर वार्षिक गीता जयंती समारोह भी आयोजित किया जाता है। इसका पानी बहुत ठंडा है और ये जो बाउंड्री लग रही है उससे आगे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये तालाब 15 फुट गहरा है, काफ़ी गहरा बना हुआ है और पानी बहुत ठंडा है। अगर आपको स्नान करना है तो ये जो बाउंड्री है उससे बाहर की साइड वाले पानी में ही आप स्नान कर सकते हैं, उससे आगे जाने की परमिशन नहीं है। ये देखिए, ये छोटी गाड़ी मिलती है जो आपको इस ब्रह्म सरोवर तालाब का पूरा चक्कर लगवाती है, वरना पैदल चलना तो असंभव है, इसीलिए इसको लघु सागर के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, ये लड़की पानी में फिसल गई है और इसका मोबाइल भी भीग गया है। ये वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन का रथ बना हुआ है, इस बाउंड्री से अंदर हम इसमें नहीं जा सकते हैं, बाहर से भी फ़ोटो वगैरह बना सकते हो।
और ये इसी के बीच एक बहुत बड़ा मैदान है और लोगों का कहना है कि यहाँ पर नवंबर दिसंबर में गीता जयंती समारोह पर बहुत बड़ा मेला लगता है, वो भी यही लगता है इसी पार्क में। ये देखिए, ये वही अर्जुन वाला रथ है जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था। यहाँ का वातावरण भी बहुत ठंडा रहता है क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, इसलिए यहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। ब्रह्म सरोवर तालाब बहुत बड़ा तालाब है जो हरियाणा का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल में तालाब बताया जाता है। बीच में ही जगह जगह मंदिर बने हुए हैं जहां आप बैठ करके आराम कर सकते हो और कुछ खा पी सकते हो। यहां पर लोग इतने घूमने वाले आते हैं, लेकिन इतनी सफाई है, यहां जगह जगह पर कूड़ा करकट डालने के लिए डस्टबिन लगे हुए हैं, कोई इधर उधर कचरा नहीं फेंकता। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।